असल स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बी एस सी मैथमेटिकल मेथड्स एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर टेन के सोल्यूशन सॉल्व क्वेश्चन नंबर टेन की स्टेटमेंट है शो दैट एवरी स्क्वेर मेट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्राम आर कैन बी रिटर्न एज असमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड अस््यूसमेट्रिक मैट्रिक्स डी तो यहाँ पे हमने ये शो करना है कि कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इक्वल्स बी प्लस डी नहीं हम किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए को एज सम ऑफ टू मेट्रसेस लिख सकते हैं और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये हमने शो करना है बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एन डीट्रिक मेट्रिक हमने शो करना है जहां पे बी सिमेट्रिक मेट्रिक्स होगा और डी स्क्यूसमेट्रिक मेट्रिक्स होगा सो लेट्स विद द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ओके okay, तो हम एक स्क्वेयर मैट्रिक्स ए सपोज कर लेते हैं सो लेट मैट्रिक्स ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओके तो हम इस मैट्रिक्स ए को इस तरह लिख सकते हैं इक्वल्स हाफ ऑफ टू ए इस तरह लिखा जा सकता है और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 a plus a 2a को हम a plus a लिख सकते हैं और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 of a plus a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज a तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेम टर्म को यहाँ पे एड भी कर दिया और सब्रैक्ट भी कर दिया है ए ट्रांसपोज को हमने एड भी कर दिया है सब भी कर दिया ओके तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर ले उससे पहले हम इनको रीग्रुप कर लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इनको अलग अलग कर लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया है ओके okay. तो अब हम यहां वन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो एक्वल्स वन बाई टू टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज ओके तो यहां पे हमने मैट्रिक्स ए को एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख दिया है इस सम में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम B सपोज कर लेते हैं और जो सेकेंड मैट्रिक्स है इसको हम D का नाम दे देते हैं इस तरह हमने A को लिख लिया कि A इज इक्वल टू बी प्लस डी ओके तो यहाँ पे अब हम शो करेंगे कि जो मैट्रिक्स B है ये सिमेट्रिक है और जो मैट्रिक्स D है ये स्क्यू सिमेट्रिक है ओके okay? तो यहाँ पे हमने B मैट्रिक्स को ले लिया है b इक्वल्स वन बाई टू ए प्लस ए ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स हमारा b है और d मैट्रिक्स है ट्रांसपोज A A तो ये d मैट्रिक्स है अब हमने शो करना है कि जो b मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है और d स्क्यू सिमेट्रिक है अब b मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे तो b का ट्रांसपोज अगर हम लें तो पे हो जाएगा ट्रांसपोज A A तो जो है वो नहीं लिया जाता जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो कांस्टेंट को हम ट्रांसपोज से बाहर मूव कर सकते हैं सो दिस इज इक्वल टू वन बाई टू और जब हम एज ए सम ऑफ टू मेट्रेसिस का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम सम में हर टर्म का अलग अलग ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ओके तो ये हम पहले प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, तो वापस ए आता है। ओके इस तरह हमारे पास यह आ गया वन बाई टू इन ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि वापस किसके कुल आता है बी okay? तो के ओके तो बी ट्रांसपोज वापस किसके कुल आ गया बी के सो दिस थिंग एम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स बी इज सिमेट्रिक ओके अब हम डी मैट्रिक्स को प्रूव करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो D मैट्रिक्स का भी हम यहाँ पे ट्रांसपोज ले लेंगे तो D ट्रांसपोज टू वन बाई टू इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज और यहाँ पे हम ट्रांसपोज को एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज सो दिस थिंग इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए, ओके, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हम देखेंगे हमारे पास माइनस के बाद जो मैट्रिक्स है ये डी आ गया ओके सो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी तो स्क्यूज मेट्रिक मेट्रिक्स की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो डी यहाँ पे क्या बनता है दिस एम्प्लाइज डी इज स्क्यू सीमेट्रिक okay, तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सम ऑफ टू मेट्रिक बी एंड डी लिख सकते हैं ए इक्वल्स बी प्लस डी जहां पे बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा डी जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ओके सो विद दिस वी कम द सॉल्यूशन ऑफ अवर क्वेश्चन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन पे क्वेश्चन 11 की स्टेटमेंट है शो दैट एवरी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी कैन बी रिटन एज अ मिशन मैट्रिक्स बी एंड एज एसक्यू हरमिशन मेट्रिक्स डी तो यहाँ पे हमने ये शो करना है कि अगर हमारे पास कोई सा भी एक स्क्वेयर मेट्रिक्स हो ए हो और उसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उसको हम एज अम ऑफ अ हरमिशन मेट्रिक एंड एसक्यू हरमिशन मेट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम किसी भी मेट्रिक्स स्क्वेयर मेट्रिक्स ए को कि जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों उसको हम सम ऑफ टू मेट्रिस बी एंड डी लिख सकते हैं ओके okay, यहाँ पे बी मैट्रिक्स जो होगा वो हरमिशन मैट्रिक्स होगा और डी जो है वो स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स होगा ये चीज़ हमने शो करनी है सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन ओके तो हम सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स ए सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम द सेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी ओके तो हम मेट्रिक्स ए को इस तरह लिख सकते हैं एक्वेल्स वन बाई टू टाइम्स टू ए इस तरह लिखा जा सकता है ओके okay? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू ए प्लस ए टू ए को हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज माइनस ए बार ट्रांसपोज प्लस ए तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने सेम टर्म को यहाँ पे एड भी कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया तो ए बार ट्रांसपोज को मैंने एड भी कर दिया और सबट्रैक्ट भी कर दिया क्योंकि ऐसा करने से मैट्रिक्स ए चेंज नहीं होगा ओके तो अब हम टर्म्स को अगर यहाँ पर अरेंज कर लें सो वन बाई टू इंटू ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज इस तरह लिख सकते हैं इस तरह ग्रुप कर सकते हैं टर्म्स को और फिर हम वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये हो जाएगा वन बाई टू टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन बाई टू इंटू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज इस तरह देखें हमने मैट्रिक्स ए को एज असम ऑफ टू मैट्रिक्स लिख लिया अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी का नाम दे देते हैं और दूसरे मैट्रिक्स को डी का नाम दे देते तो इस तरह हमने मैट्रिक्स ए को लिख लिया ए इक्वल्स बी प्लस डी ओके और अब हम शो करेंगे कि जो बी मैट्रिक्स है ये हरमिशन है और डी स्क्यू हरमिशन है ओके okay? तो यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स किसको लिया है सो अवर मैट्रिक्स बी इज वन बाई टू इंटू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज तो ये हमारा मैट्रिक्स बी है ओके okay? और इसी तरह हमारा मैट्रिक्स डी है वन बाई टू इंटू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज तो सबसे पहले हम बी को शो करते हैं कि ये हरमिशन मैट्रिक्स है तो बी हरमिशन मैट्रिक्स तब होगा कि जब इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज लेने से वापस बी की इक्वल आ जाए तब ये हर मिशन मेट्रिक्स होगा तो हम यहाँ पे ये शो करेंगे तो हम B का सबसे पहले कंजुगेट ले लेते हैं तो B कंजुगेट विल बी इक्वल टू इस पूरे मेट्रिक्स का कंजुगेट ले लेंगे तो ये होगा वन बाई टू इंटू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज और फिर इस पूरे मेट्रिक्स का हम कंजुगेट ले लेंगे तो कंजुगेट तो हम एक्सपेंड करेंगे हर टर्म का अलग अलग कंजुगेट लेंगे तो ए कंजुगेट प्लस ये हो जाएगा ए कंजुगेट का कंजुगेट लेंगे और फिर हम इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं तो अब ये किसके कल होगा वन बाई टू इंटू ए कांजुगेट और ए कंजुगेट होल कंजुगेट तो ये ए आ जाएगा साथ ट्रांसपोज आ जाएगा तो किसी भी मैट्रिक्स का डबल कंजुगेट लेने से वापस वही मैट्रिक्स आता है ओके okay, तो ये हमारे पास बी कंजुगेट आ गया तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो बी कंजुगेट ट्रांसपोज लेने से हो जाएगा वन बाई टू इंटू ए कंजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सो विच इज इक्वल टू वन बाई टू ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज तो यहाँ पे हमने Transpose को एक्सपेंड कर लिया ओके सो दिस और ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए आ जाएगा तो इसको इस तरह लिख सकते हैं by into A plus A conjugate transpose. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वापस बी मेट्रिक आ गया ओके सो बी कंजुगेट का ट्रांसपोज लेने से वापस बी आ गया सो दिस थिंग एम्प्लाइज दैट अवर मेट्रिक्स बी इज सो बी मेट्रिक्स इज अ हरमिशन मेट्रिक्स तो ये हमने शो कर दिया अब हम आएंगे डी मैट्रिक्स पे और इसको शो करेंगे कि ये स्क्यू हरमिशन है तो स्क्यू हरमिशन के लिए हमने शो करना है कि डी मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज लेने से नेगेटिव डी के इक्वल आता है तो अब हम सबसे पहले डी मैट्रिक्स का कंजुगेट ले लेते हैं तो डी कंजुगेट विल बी इक्वल टू वन बाई टू इन सारे मैट्रिक्स का कंजुगेट ले लेंगे तो ये वन बाई टू इन टू ए बार ट्रांसपोज और फिर इस पूरे मैट्रिक्स का हम कंजुगेट ले लेंगे और अब हम कंजुगेट को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू ए कंजुगेट माइनस ए कांजुगेट होल कंजुगेट और साथ ट्रांसपोज ओके ओके तो ये अब होगा वन बाई टू इंटू ए कांजुगेट माइनस ए ट्रांसपोज कंजुगेट का कंजुगेट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा वापस ए आ जाएगा और ए ट्रांसपोज तो ये हमारे पास आ गया डी कंजुगेट तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो डी कंजुगेट लेने से हो जाएगा कंजुगेट माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज तो हो जाएगा वन बाई टू इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज

so d conjugate transpose is equal to negative d okay so this implies that matrix d is a skew hermitian matrix okay तो so, ये हमने show करना था show okay तो so, इस तरह हमने show कर दिया कि हम किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स ए को जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों उसको हम एज असम ऑफ हरमिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हरमिशन मैट्रिक्स लिख सकते हैं अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के सोल्यूशन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी इज इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई से दो मेट्रसेज ए और बी सिमेट्रिक मेट्रसेज हों तो हमने प्रूव करना है कि ए बी इन उनका जो प्रोडक्ट है वो सिमेट्रिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट तो ये एक इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है यानी एक बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि ए बी एक सिमेट्रिक मेट्रिक्स है और हम प्रूव करेंगे कि ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं ओके इसी तरह फिर हम कन्वर्सली सपोज करेंगे कि ए एंड बी कम्यूट करते हैं और फिर हम प्रूव करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है ओके सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन ओके सो वी आर गिवन डेट ए एंड बी okay? so और सिमेट्रिक मेट्रिस ओके सो ए और बी सिमेट्रिक मेट्रिस हैं दिस मीन्स के ए ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज बी की इक्वल होगा तो ये हमें गिवन है तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी सिमेट्रिक है ओके okay? Suppose A B A times B is symmetric. So we prove we prove that A and B commute. ए और बी कम्यूट करते हैं इट मीनस ए बी इक्वल्स बी ए तो हमने सपोज किया हुआ कि है so कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये यह वापस यही मैट्रिक्स आता है तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज को एक्सपेंड करें तो हम ये फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मेट्रिस आ जाए और उसका ट्रांसपोज हो तो हम अलग अलग ट्रांसपोज लेंगे लेकिन हम मेट्रिस का जो प्रोडक्ट है उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा पहले बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज सो दिस थिंग इज इक्वल टू ए बी है ओके okay. अब क्योंकि बी ऊपर हमने गिवन था कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए तो बी ट्रांसपोज की जगह अगर हम बी लिख दें और ए ट्रांसपोज की जगह ए लिखते हैं सो बी इक्वल्स ए बी सो दिस एम्प्लाइज बी कम्यूट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया ओके? Okay? अब हम कन्वर्सली सपोज करेंगे कि ए एंड बी कम्यूट और प्रूफ करेंगे कि ए बी है ओके okay? so now suppose conversely that a and b commute and prove that abs

ए बी इज इक्वल टू बी ए ये हमने सपोज कर लिया है ओके okay, तो हम ए बी ट्रांसपोज की जगह बी ए ट्रांसपोज यानी लिख सकते हैं तो अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोज को एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज टाइम्स बी ट्रांसपोज ओके तो अगेन ए ट्रांसपोज गिवन स्टेटमेंट था कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज एंड ये गिवन था तो हम ए ट्रांसपोज को ए से रिप्लेस कर दें बी ट्रांसपोज को बी से कर दें सो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी सो दिस थिंग एम्प्लाइज दैट द मैट्रिक्स ए बी इज प्रूफ्ड। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि ए और बी कम्यूट करते हैं और प्रूफ कर दिया कि ए बी यानी उनका जो प्रोडक्ट है ए टाइम्स बी वो सिमेट्रिक होगा इस तरह ही हमारा जो प्रूफ था ये प्रूव हो जाता है अब हम क्वेश्चन थर्टीन को सॉल्व करेंगे इफ ए इज एन एम बाई एम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एन पी इज एन एम बाई एन मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट बी इक्वल्स पी ट्रांसपोज ए पी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ जाते हैं पहले हम ए को एक्समेट्रिक मेट्रिक्स सपोज करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि बी मेट्रिक्स विच इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी वो सीमेट्रिक है फिर इसी तरह हम A को सिमेट्रिक सपोज करते हुए बी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो क्वेश्चन का सलूशन हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रट द मैट्रिक्स बी विच इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज टाइम्स ए टाइम्स पी इज समेट्रिक अब ए यहाँ पे एक सीमेट्रिक मेट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और हमारा बी मैट्रिक्स है p ट्रांसपोज टाइम्स a टाइम्स p तो इस मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू p ट्रांसपोज टाइम्स a टाइम्स p होल ट्रांसपोज ट्रांसपोज को हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा p ट्रांसपोज टाइम्स a ट्रांसपोज टाइम्स p ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसको हम फर्दर लिख सकते हैं पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज टाइम्स पी ओके अब क्योंकि ए ट्रांसपोज जो है एक्वल है okay, तो यहाँ ए से रिप्लेस कर सकते हैं तो पी ट्रांसपोज टाइम्स ए टाइम्स पी हम इस तरह लिख सकते हैं सो दिस इज बी ट्रांसपोज तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज वापस बी की इक्वल आ गया ओके सो इससे ये पता चला कि जो मैट्रिक्स बी है ये क्या है सो दिस थिंग एम्प्लाइज बी इज सिमेट्रिक ओके अब हम सपोज कर लेंगे कि ए मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओके नाउ इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक so we prove that matrix b which is equal to p transpose a p is also skew symmetric क्योंकि ए स्क्यू सिमेट्रिक है यहाँ तो अब ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा और बी मैट्रिक्स है हमारा पी ट्रांसपोज टाइम्स ए टाइम्स पी अब, अब हमें शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है सो बी का ट्रांसपोज ले लें तो ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज टाइम्स ए टाइम्स पी होल ट्रांसपोज ट्रांसपोज एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज स कर देंगे तो पी ट्रांसपोज इंटू माइनस ए टाइम पी जाएगा माइनस पी ट्रांसपोज ए हम देख सकते हैं कि ये माइनस बी इक्वल आ गया ओके सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी सो दिस थिंग एम्प्लाइज हेयर कि बी क्या है तो इस क्वेश्चन में हमने ये शो किया कि जब ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ये मैट्रिक्स बी बी क्या होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और जब ए सिमेट्रिक हो तो मैट्रिक्स बी बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन शो दैट ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इन ए ट्रांसपोज टाइम्स ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्र मैट्रिक्स ए तो हमने ये शो करना है कि तो किसी भी स्क्वेयर मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है ये सिमेट्रिक होगा ओके सो वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ओके सो लेट अस सपोज सो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और हमने ये शो करना है सो वी शो दैट ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक सबसे पहले हम ये शो करते हैं ओके okay, तो हम ए टाइम्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके देखेंगे अगर वापस ये आता है तो ये सिमेट्रिक होगा इसको अगर हम एक्सपेंड करें ट्रांसपोज को तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज तो दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स ए ट्रांसपोज ओके सो ए टाइम्स ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू वापस वही मैट्रिक्स आ गया सो दिस इम्प्लाइज ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक शोन � ओके okay, अब हम शो करेंगे कि ए ट्रांसपोज टाइम्स ए बी सिमेट्रिक है ओके नाउ वी शो दैट ए ट्रांसपोज टाइम्स ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो a ट्रांसपोज टाइम्स a इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सो विच इज इक्वल टू a ट्रांसपोज टाइम्स a तो वापस वही मैट्रिक्स आ गया सो so a ट्रांसपोज टाइम्स a ओल्ड ट्रांसपोज इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स सो दिस इंप्लाइज कि a ट्रांसपोज a इज सिमेट्रिक शोन तो इस तरह हमने शो कर दिया कि किसी भी स्क्वेयर मेट्रिक्स ए के लिए ए टाइम्स ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज टाइम्स ए सिमेट्रिक मेट्रिक होंगे ओके नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इफ ए इज अ matrix over ओवर सी देन शो A प्लस ए कंजुकेट ट्रांसपोज एट टाइम्स ए कांजुगेट ट्रांसपोज एंड ए कांजुगेट ट्रांसपोज टाइम्स ए आर ऑल हरमिशन तो अब हमने गिवेन मेट्रि को हरमिशन प्रूव करना है ओके okay? तो यहाँ पे ए कोई भी एक स्क्वेर मेट्रिक्स है ओके सो एज एनी स्क्वेर मेट्रिक्स हमने इन थ्री गिवन मेट्रिक को हर प्रूव करना है ओके सो फर्स्ट लेट अस शो दैट ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज हरमिशन तो किसी भी मैट्रिक्स को हर कैसे शो किया जाता है कि हम पहले उस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं अगर फिर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हरमिशन होता है ओके तो इस गिवन मैट्रिक्स को हमने हरमिशन शो करना है तो पहले हम इसका पूरे मेट्रिक्स का कंजुगेट ले लेंगे ओके तो ए प्लस ए बार ट्रांसपोज और इस सारे का जब हम कंजुगेट लेंगे और कंजुगेट को हम जब एक्सपेंड करेंगे ए कांजुगेट प्लस ए कंजुगेट कंजुगेट का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा ए कंजुगे ए कांजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज Okay, तो ये आ गया और अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज कंजुगेट और इसका फिर सारे काम फिर ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए कंजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ओके और ट्रांसपोज को जब हम यहाँ एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा ए बार ये ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज सो दिस इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस प्लस ए, ए सो इक्वल टू ए एक्वल ट्रांसपोज ओके तो हम देख सकते हैं कि वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है ओके सो ए प्लस ए बार ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स आ रहा है ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज सो दिस इम्पलाइज ए प्लस ए बार ट्रांसपोज इज हर मिशन ओके इसी तरह अब आपने प्रूव करना है कि ए टाइम्स ए बार ट्रांसपोज भी हर मिशन है ए टाइम्स ए बार ट्रांसपोज अब शो करना है कि ए टाइम्स ए बार ट्रांसपोज ये जो मैट्रिक्स है ये भी हरमिशन है तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कंजुगेट ले लेंगे तो ए टाइम्स ए बार ट्रांसपोज जब इसका कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा कंजुगेट में अलग अलग कंजुगेट ले सकते हैं ए कंजुगेट टाइम्स ए बार कंजुगेट ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा ए कंजुगेट टाइम्स ए ट्रांसपोज ओके ये आ गया और अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे सो ए टाइम्स ए बार ट्रांसपोज कंजुगेट का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा ए कंजुगेट टाइम्स ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज टाइम्स ए बार ट्रांसपोज सो दिस इक्वल टू ए टाइम्स ए बार ट्रांसपोज तो वापस वही मैट्रिक्स आ गया ओके सो दिस थिंग एम्प्लाईज दैट ए टाइम्स ए बार ट्रांसपोज इज हरमिशन Okay, अब हमने प्रूव करना है कि ए बार ट्रांसपोज टाइम्स ए बी हरमिशन है ए बार ट्रांसपोज टाइम्स कि ए बार ट्रांसपोज टाइम्स ए बी हरमिशन है तो इसका भी सबसे पहले हम कंजुगेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बार ट्रांसपोज टाइम्स ए कंजुगेट तो कंजुगेट अलग अलग लें तो ए कंजुगेट कंजुगेट ट्रांसपोज टाइम्स ए कंजुकेट तो यह हो जाएगा ए कंजुगेट और फिर अगर हम इसका इस पूरे मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज ले लें तो ये क्या होगा सो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज टाइम्स कंजुगेट ऑफ ए whole transpose okay so this thing is equal to a conjugate transpose times a transpose whole transpose okay so this is equal to a conjugate transpose times a way matrix so this implies that a conjugate transpose times a is Hermitian Shown. Okay? तो यहां पे हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर ए कोई भी एक matrix हो मेट्रिक टाइम्स ए तो ये तीनों मेट्रिसेस हर मिशन होंगे नाउ इन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन शो दैट एवरी स्क्वेर मेट्रिक्स ओवर सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनिक वे इज पी प्लस आयोटा क्यू वेयर पी एन क्यू आर हर मिशन तो यहां पर हम एक स्क्वेयर मेट्रिक्स ए ले लेते हैं ओके सो लेट ए बी स्क्वेर मेट्रिक्स तो हम ए को इस तरह लेख सकते हैं एक्वल्स वन बाई टू टाइम्स टू ए इसको लिखा जा सकता है ट्रांसपोज so so तो ये टर्म हम एड भी कर दें और सब ट्रैक्ट भी कर दें यहां पे। फिर हम इसको लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू ए प्लस ए 2 इंटू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज जिस तरह हमने पहले भी इसको लिख चुके हैं इस तरह तो ये आ गया ए। ओके तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वन बाई टू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज और अभी जो सेकेंड मेट्रिक्स है इसको में से लिख सकते हैं आयोटा इंटू वन बाई टू आयोटा इंटू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज इस तरह लिख सकते हैं ओके okay. अब इसको अब इस मैट्रिक्स को हम पी के लेते हैं पी प्लस और ये आयोटा और इस मैट्रिक्स को हम क्यू के लेते हैं क्यू सो इक्वल्स पी प्लस आई क्यू तो यहाँ पे हमने पी मैट्रिक्स लिया है वन बाई टू इंटू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज ये पी है और क्यू मैट्रिक्स है हमारा वन बाई टू आयोटा इंटू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज ओके okay? अब हम ये शो करेंगे कि ये पी और क्यू मेट्रेसेस जो हैं, ये दोनों हरमिशन मेट्रिज हैं। दोनों को हरमिशन मेट्रिसेस शो करेंगे तो पी को हरमिशन मेट्रिक शो करने के लिए हमने अगेन ये शो करना है कि पी बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ओके ओके, तो सबसे पहले हम पी का कंजुगेट लेंगे So, P जुगेट विल भी इक्वल टू 1 by 2 इंटू A प्लस A बार ट्रांसपोज तो इस पूरे मेट्रिक्स का हम कंजुगेट ले लेंगे और कंजुगेट को फिर हम जब एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू ए कांजुगेट प्लस ए कंजुगेट कंजुगेट ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू ए कंजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज तो ये आ गया पी कांजुगेट और फिर इसका हम ट्रांसपोज लें तो ये हो जाएगा वन बाई टू इंटू ए कांजुगेट प्लस ए ट्रांसपोज 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 को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा वन बाई टू ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज transpose so you take 1 by 2 into a conjugate transpose plus a so which is equal to 1 by 2 into a plus a bar transpose to p equal so p conjugate transpose is equal to p okay so this thing implies that p is permission okay isi tarah ab hum q ko bhi Hermitian prove karenge show karenge to humne show karna hai ki q conjugate transpose is equal to q तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले Q matrix का conjugate ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जब इसका conjugate लेंगे तो तो ये होगा वन बाय टू आई इंटू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज और इस पूरे का हम कंजुगेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू आई ए कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट कंजुगेट ट्रांसपोज ओके सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आई ए कंजुगेट माइनस ए ट्रांसपोज ये आ गया और अब हम इसका क्यू बार का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा सो so, ये हो जाएगा क्यू बार ट्रांसपोज सो दिस इक्वल टू माइनस वन बाई टू आई ए बार माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा जी माइनस वन बाई टू आई ए बार ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू आई इंटू ए बार ट्रांसपोज माइनस ए इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये प्लस हो जाएगा वन बाई टू और ये हो जाएगा ए माइनस ए बार ट्रांसपोज तो ये वापस फिर मैट्रिक्स आया Q सो so Q कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q ओके सो दिस एम्प्लाइज Q इज हर्मिशियन ओके अब हम ये शो करेंगे कि ये इस फॉर्म में इक्वल्स पी प्लस आई क्यू इसमें पी और क्यू जो है वो यूनिक हैं यानी ये नोटेशन जो है वो यूनिक है यानी हम ए को यूनिकली पी प्लस आयोटा क्यू लिख सकते हैं पी और क्यू यहाँ पे यूनिक है ओके नाउ नाउ वी प्रूफ और शो द यूनिकनेस ऑफ P and Q. Okay. तो अब सपोज कर लें कि किसी मेट्रिक ए कोट्रेसेस में अगर हम लिखते हैं सपोज आर प्लस आयोटा एस आर और एस इस फॉर्म में लिख दू जहां पे वेर आर एन एस आर हर मिशन और इस इक्वेजन को हम इक्वेजन वन के दें ओके और अगर यहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज और कंजुगेट लें यानी ए कंजुगेट ट्रांसपोज तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आर प्लस आयोटा एस कंजुगेट होल ट्रांसपोज हम अगर कंजुगेट लें तो ये हो जाएगा आर कंजुगेट प्लस आयोटा एस कंजुगेट अलग अलग ट्रांसपोज ले लें हम तो आर कंजुगेट ट्रांसपोज माइनस आयोटा एस कंजुगेट ट्रांसपोज अब क्योंकि हमने ऑलरेडी सपोज किया हुआ है कि आर और एस यहाँ पे हरमिशन है तो इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू आर माइनस आई एस बिकॉज अगर आर हरमिशन है तो उसके कंजुगेट का ट्रांसपोज जो है वो वापस उसी के इक्वल होगा इसी तरह एस कंजुगेट का ट्रांसपोज भी एस होगा क्योंकि वो दोनों हरमिशन है सो ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर माइनस आई एस इस इक्वेजन को हम इक्वेजन टू के लेते हैं ओके okay, इसी तरह अगर हम इक्वेजन वन को वन को टू को एड कर दें यहां टू ओके सो ए प्लस ए बार ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा एस आर प्लस आयोटा एस प्लस आर माइनस आयोटा एस सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा एस प्लस आयोटा एस माइनस आयोटा एस कैंसिल आउट हो जाएंगे सो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स आर सो ए प्लस ए बार ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू टू टाइम्स आर ओके तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू इंटू ए प्लस ए बार ट्रांसपोज और ये देखें किसका इक्वल था पहले हम इसको किसके इक्वल सब क्या नाम दे चुके थे पी का ओके सो दिस इज इक्वल टू पी इट मींस आर बी पी की इक्वल है इसी तरह अगर हम इक्वेशन वन और टू को वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दें नाउ सब्ट्रैक्ट Equation 2 from वन तो वन की left hand side थी ए माइनस टू की की राइट साइड right थी और प्लस आयोटा एस माइनस और सेकेंड की जो राइट हैंड साइड थी वो थी और माइनस आई एस को करें करें तो क्या बनेगा ए माइनस ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस आई एस माइनस आर प्लस आई एस अब यहाँ पे माइनस आर प्लस आर कैंसल आउट हो जाएंगे तो ए माइनस ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू टू टाइम्स आई एस यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू आई इंटू ए माइनस ए बार ट्रांसपोज तो ये पहले भी हम इसको नाम दे चुके हैं ये किसके इक्वल था क्यू की ओके ओके सो इस तरह अगर हम किसी मैट्रिक्स को ए को पी प्लस आयोटा क्यू इस फॉर्म में लिखे या इक्वल्स आर प्लस आई इस फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे पी और आर इसी तरह क्यू और एस सेम होंगे ये जो रिप्रेजेंटेशन है इक्वल्स पी प्लस आई क्यू टाक्यू तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगी दिस इज अक रिप्रेजेंटेशन दिस मीन्स हेर पी एन क्यू आर यूनिक मेट्रिस तो ये हमने शो करना था दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन show that every hermitian matrix can be written as a plus iota b where a is real and symmetric and b is real and skew symmetric okay so it is given that a is a matrix is real so this thing implies that conjugate of A will be equal to A. And it is also given that A is symmetric. So this thing implies that A transpose is equal to A. Okay. So this information is about A. Similarly, about B, that B is real. This implies B conjugate is also equal to B and B is skew symmetric. This implies that B transpose is equal to negative B. So, this whole information is given. Okay, so we show that. So, we show that the matrix A plus iota B is Hermitian. Okay. So, let us call this matrix as a matrix P. So, P equals A plus iota B. So, we show that P is Hermitian. So, we have to show that p bar transpose is equal to so we show that p bar transpose is equal to p so first of all let us take the conjugate of p over here so this will be equal to a plus iota b whole conjugate so this will be equal to a conjugate plus iota b conjugate so this will be equal to a conjugate minus iota b conjugate because the conjugate of iota is minus iota okay so p conjugate is equal to this thing okay so we can also write it as p conjugate is equal to a minus iota b because a and b are both real a conjugate is equal to A and B conjugate is equal to B. Okay, if we take its transpose now, so this will be equal to A minus iota B whole transpose. So this is equal to A transpose minus iota B transpose. Since A is symmetric, so this will be equal to a and b is skew symmetric so this is bt is minus b so here a transpose is equal to a because a is symmetric and b transpose is equal to minus b because b is skew symmetric so this is equal to a plus iota b so which is equal to b again okay so p bar transpose is equal to p so this implies the matrix p which is equal to a plus iota b is hermitian okay